ओके तैयार भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई पोको की एम सीरीज में आने वाले कोने ब्रांड न्यू स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में, जो कि होने वाला भाई पोको M5 4G। बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा किलर लुक एंड अपीयरेंस के साथ में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में आपको स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा फाड़ू से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस फोन में आपको एकदम ब्रांड न्यू मोस्ट पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। इसलिए भाई क्वेश्चन तो निकल के आता है कि पोको M5 4G ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में कैसा होने वाला है और गेमिंग के लिए इस फोन को हमें बाय करना भी चाहिए नहीं। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोको M5 4G इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप और इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। PUBG वाला है, फिर BGMI में आपको ये बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स, क्या परफॉर्मेंस निकल के देने वाला है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलने वाले हैं और किस प्राइस सेगमेंट के साथ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है भाई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते और फाइनली हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तर बात करते हैं भाई पोको M5 4G के लुक एंड अपीयरेंस के बारे में। तो दिखा रहा है आपको बैक पैनल में रेक्टेंगुलर शेप में भाई तीन कैमरास की ऑप्शन देखने को मिल जाती है और फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको एक कैमरा की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो भाई बैक पैनल से ये जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग स्मार्टफोन निकल के आता है भाई। फ्लैट एजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट से आपको ये ओके सही देखने को मिल जाता है। एंड बेसिकली यार इस फोन में आपको सिर्फ और सिर्फ इसका लुक एंड अपीयरेंस अच्छा देखने को नहीं मिलता है, इस फोन में आपको स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा सॉलिड से ही देखने को मिलने वाले। पर जो भी हम लोग पोको M5 4G इस स्मार्टफोन के हम धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में इस वीडियो के लास्ट डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में एंड जान लेते हैं कि भाई आखिर ये फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI कोइन दोनों में ही आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में अल्ट्रा जी आ गए। इससे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिलता है भाई स्मूथ अल्ट्रा। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा एंड HD में आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 40 FPS एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे भाई पोको M5 4G इस फोन के साथ में। तो देखा रहे जो स्मार्टफोन होने वाला वो एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है एंड उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिल जाती हैं वो काफी हद तक भाई एवरेज ही देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा कंप्लेन करने वाली भी नहीं है। एक एवरेज आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है एंड भाई 40 FPS की परफॉर्मेंस भी इस फोन में आपको काफी ज्यादा सॉलिड सी देखने को मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम ब्रांड न्यू चिपसेट देखने को मिलता है। लेकिन ब्रांड न्यू चिपसेट होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट निकल के आता है। सो यही एक वजह है कि यहाँ पे आपको कोई भी लैग वाला इशू देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है और ना ही यहाँ पे आपको कोई भी रेंडरिंग को लेकर इशू देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते हैं भाई FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो इस फोन में आपको काफी ज्यादा सॉलिड FPS की स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी भाई। TDM में जो स्मार्टफोन निकल के आता है वो आपको ऑल द टाइम प्रॉपरली 38 से लेकर 40 FPS बहुत ही इजिली मेंटेन करके देने वाला है, कहीं भी आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा और सिमिलर केस आपको इर एंगल में भी देखने को मिल जाएगा। इर एंगल में भी जो स्मार्टफोन है वो 37, 38 और 40 FPS को काफी हद तक मेंटेन कर पाता है, बढ़ा क्लोज कॉम्बेट में इसके जो FPS वो 36 FPS तक आ जाते भाई आपको एक कंसिडर करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्मार्टफोन 37 से लेकर 40 FPS मेंटेन कर पाते। तो भाई इन शॉर्ट लेकर मैं आपको बताऊं तो TDM इर एंगल में एक तरीके से आप ऑल द टाइम प्रॉपर कॉन्स्टेंट 40 FPS में गेम प्ले कर पाओगे पोको M5 4G इस फोन के साथ में। लेकिन बात करते भाई इस फोन के एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो वो क्रिएट हो जाती है और इस टाइम पे तो बड़े बड़े फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते। तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या पोको M5 4G का ये स्मार्टफोन भी सैनोक के बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन के सैनोक का बूट कैंप करोगे और जब आप प्ले से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको 32-33 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा भाई जैसे आप प्ले से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि वो पलक झपकती फटाक से रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो 35 से लेकर 40 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज भी जब आप लैंड कर चुके हो, आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फायर करना पड़ रहा है भाई, तो भी उस इंटेंस मसल में पोको M5 4G इसके जो FPS है वो आपको ऑल द टाइम 37 से लेकर 40 के बीच में ही हॉवर करते दिखाई देने वाले हैं, बट हाँ क्लोज कॉम्बैट में इसके जो FPS है वो 34-35 FPS तक आते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। तो क्लोज कॉम्बैट में यहाँ पे आपको हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, अदरवाइज आप मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन सैनोक के बूट कैंप में 37 से लेकर 40 FPS डेफिनेटली इस फोन के साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गेमिंग के मामले में इस
स्पेशली इन 4G ऐप इज भाई पोको M5 4G। ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल के आता है भाई, आपको 4G की परफॉर्मेंस के मामले में ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। बाकी बात करते हैं भाई इस फोन के जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो देखा इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई फिजिकल वाला जायरोस्कोप। एंड अभी तक मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है, जितनी भी लीक्स निकल के आया है, उसके अकॉर्डिंग तो यही बताया जा रहा है कि भाई इस फोन के जायरोस्कोप में आपको बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलेगा। बट ये ऑफिशियली बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये लीक्स है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको ये फोन पसंद आता है और आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसके जायरोस्कोप के बारे में एक और बार कंफर्मेशन डेफिनेटली कर लीजिएगा, या फिर अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली इन्फॉर्म करके बताई देने वाला हूं। तो आपको ये ध्यान रखना कि भाई अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो इसके जायरोस्कोप के बारे में एक और बार कंफर्मेशन डेफिनेटली कर लीजिएगा। बाकी अच्छी बात है कि इस फोन में आपको कोई भी मेजर हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलता है। हल्का सा जो स्मार्टफोन है वो हीट तो हो जाता है, बट ओवर हीट फोन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप इस फोन में इवन 1.5 घंटे की भी गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है 30 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हल्का सा जो स्मार्टफोन है वो हीट हो जाता है, बट ओवर हीट फोन बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी बात करते हैं कि भाई आखिर आपको इतने इंटरेस्टिंग लेवल की परफॉर्मेंस भाई किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली। तो गाइस बात करते भाई पोको M5 4G इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो अभी आप देख सकते भाई इसके स्पेसिफिकेशन को मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सो दैट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.58 इंचेस का एक 90Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+IPS LCD डिस्प्ले विद 240 के असेंबलिंग रेट के साथ में। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, बट IPS डिस्प्ले होने के बावजूद भी डिस्प्ले का साइज एंड डिस्प्ले के फीचर्स के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलता है। इस फोन में काफी ज्यादा बेहतरीन से यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। LPDDR4 SRAM एंड UFS 2.2 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। साइज मॉडेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन अभी तक पूरी तरीके से बिल्कुल भी रिवील नहीं किए गए, बट वो कोई मेजर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो मेजर स्पेसिफिकेशन है उसे ऑलरेडी रिवील कर दिया गया है। तो बाकी अगर कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है डेफिनेटली मैं आपको पिन कमेंट में इसके फुल कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बता देने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको ये आसानी हो जाएगी कि ये समझने के लिए कि आपको इस फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, वो भी किस प्राइस सेगमेंट के साथ में। बाकी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 33W फास्ट चार्जर के साथ में। हाँ, इसके चार्जर के बारे में अभी तक पूरी तरीके से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ, बट 70% चांसेस यही है कि आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको 18W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में भाई, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई मीडियाटेक की तरफ से आने वाला एकदम ब्रांड न्यू एंड मोस्ट पावरफुल चिपसेट, जो कि होने वाला है भाई मीडियाटेक के हीलियो G99। जी हाँ गाइस, यहां पे आपको मीडियाटेक हीलियो G99 देखने को मिलता है। और मीडियाटेक के हीलियो G99 की खासियत यह है कि ये 6nm बनवा चिपसेट निकल के आता है। बाकी जितने भी मीडियाटेक के हीलियो चिपसेट निकल के आते हैं वो 12nm के नीचे बिल्कुल भी नहीं आए, लेकिन ये पहला चिपसेट निकल के आता है जो कि भाई मीडियाटेक हीलियो सीरीज में 6nm बनवा चिपसेट निकल के आता है। और इसी कारण से भाई ये काफी ज्यादा बैटरी इफिशियंट बन जाता है और हीट मैनेजमेंट भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है, और परफॉर्मेंस भी आपको लॉन्ग टर्म में बेटर देखने को मिलने वाली है। और ये जो चिपसेट है वो डुअल 4G निकल के आता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं मीडियाटेक हीलियो G96 से थोड़ा बेटर निकल के आता है। बाकी बात करते हैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं भाई तब इसके प्राइस के बारे में कुछ भी रिवील बिल्कुल भी नहीं किया गया है, सिंगल सा हिंट भी दिया नहीं गया है। बट अगेन लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई जो स्मार्टफोन है वो महीने में 3 वेरिएंट के साथ में देखने को मिल सकता है भाई, 4GB 64GB, 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। एंड इसके जो बेस वेरिएंट निकल के आता है 4GB 64GB, शायद वो हमारी इनमें 12 या फिर 13,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। तो भाई देखो, अगर ये फोन हमारी इनमें इस प्राइस सेगमेंट के साथ में लॉन्च हो गया और आपको ये फोन पसंद आता है तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर करने के बारे में सोच सकते हो। आपको ये डिस्काउंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इसी के जगह पे 1000 रुपए ऐड करने के बाद में आप पोको M4 Pro 5G को ही बाय कर लो भाई इसके कंपैरिजन में। बट अगेन मैं कहता हूं कि भाई ये फोन आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं करेगा, काफी अच्छे फोन निकल के आता है अगर ये फोन हमारी इनमें एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ में देखने को मिलता है तो। बाकी अगर आपको Redmi 11 Prime की सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो फिर ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।